दोस्तों, ताजमहल किसी के लिए अजूबा है, किसी के लिए प्यार का एहसास है, हमारे लिए तो सब बकवास है क्योंकि रोज बदलती है हमारी मुमताज। आज का ये एपिसोड शायरी स्पेशल है दोस्तों, तो चलो थोड़ी सी शायरी सुन लो और थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक शायर छुपा हुआ होता है, वो मौका देख के बाहर आता है। अब वो शायर कोई भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर्स की शायरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। शराबी लोग सबसे बड़े शायर होते हैं, थोड़ी सी शराब अंदर और इनका शायर बाहर। अब जैसे कि ये शेर है, अर्ज फरमाया है कि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, लेकिन सबसे खुश वही होता है जो रात को दो पेग लगा के सोता है। शायर का नाम पांडु बेवड़ा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल से दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो यारो गम ना करो, बस आयोडेक्स खरीदो और लगाते रहो। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो आयोडेक्स ने स्पॉन्सर नहीं किया है। शायर का नाम है अमित मेडिकल वाला। दोस्तों, दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो, अगर हो गई हो तो उसे खोने मत दो, और अगर दोस्त प्यारा है दोस्तों तो उसे चैन की नींद सोने मत दो। वैसे दोस्ती से याद आया, मेरा एक दोस्त है अजय, उसकी शादी की सालगिरह थी, पहली सालगिरह। मैंने कहा चलो इसको विश कर देते हैं। मैंने उसे विश किया, मैंने पूछा कैसा है भाई, उसने जवाब दिया परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, तो उसने जवाब में एक शेर लिख दिया कि किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, बहुत लोग दुआएं देने आए थे शादी में। भाई साहब, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार शादी खुद कर रहा है और हमें कोस रहा है। मैंने भी जवाब में एक शेर लिख दिया कि शादी करने वाले फटे में पैर क्यों फंसाया, शादी करने वाले फटे में पैर क्यों फंसाया, बाजार में दूध क्या कम था जो तू भैंस खरीद के ले आया। भाई साहब, वो दिन है और आज का दिन है, अजय ने मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से तो मदहोश हो गए हम, जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से तो मदहोश हो गए हम, जब पता चला कि नजर ही तिरछी थी तो वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। मोहब्बत में हसीनाओं का दिल रखने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है, अपने दिल पे पत्थर रख के कितनी तारीफें करनी पड़ती है। इसके लिए एक शेर अर्ज है कि मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद, अब किसी और को नहीं देखना तुम्हें देखने के बाद, दुनिया छोड़ देंगे हम तुम्हें पाने के बाद, और खुदा माफ करे इतना झूठ बोलने के बाद। भाई साहब, हालात और मजबूरी किसी को भी शायर बना सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमारे एरिया में एक है पप्पू रोमियो, एक दिन उनको पुलिस पकड़ के ले गई लड़की पटाने के चक्कर में। लड़की के बाप ने कंप्लेन कर दी थी। पुलिस वाले ने पप्पू से कहा क्यों भाई पप्पू, मजा आ रहा है लड़की पटा के, अब देखना उसका बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो पप्पू ने शायराना अंदाज में पुलिस को जवाब दिया। पप्पू ने कहा कि दिल का दर्द दिल तोड़ने वाला क्या जाने, दिल का दर्द दिल तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार के रिवाजों को ये जमाना क्या जाने, अरे कितनी तकलीफ होती है लड़की पटाने में, ये घर में बैठा लड़की का बाप दीवाना क्या जाने। वो बेवफा होती यारो तो कुछ और बात थी, वो बेवफा होती यारो तो कुछ और बात थी, उसकी वफाओं से ही तो मेरे दिल में जख्म है, हर दूसरे दिन उसका मैसेज आ जाता है, जरा रिचार्ज करा दो जानू बैलेंस खत्म है। शायर का नाम बंटी रिचार्ज वाला। मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे जालिम, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होती रहेगी। शायर का नाम एडवोकेट सीताराम पांडे। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं,
मगर नाटक पुराना चल रहा है दोस्तों। जाते जाते एक ज्ञान की बात, लेकिन वो भी शायरी के अंदाज में। तो अर्ज किया है कि सफर लंबा है दोस्त बनाते जाइए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते जाइए, ताजमहल मत बनाइए महंगा पड़ेगा, लेकिन जहां जाओगे एक मुमताज बनाते जाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड, हमारी एक और छोटी सी कोशिश आप सबको हंसाने की। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मजे लेते रहिए, और मजे लेते लेते हमारे एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने अब तक किया ही होगा, नहीं दबाया है तो बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए, और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का, हम जल्दी आपसे मिलते हैं। टेक केयर।